व्हाट्स अप गाइस, एक और भूतिया हॉरर कहानी आप लोग लेके आए हैं फ्रॉम चैनल खूनी मंडे, वन ऑफ माय फेवरेट चैनल फॉर हॉरर स्टोरीज। और जल्दी हम शुरू करने वाले हैं द क्लाउन जो वेब सीरीज है इनकी, उसके ऊपर रिएक्शन। तो फटाफट से कर ले चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं है तो। और स्कूल ट्रिप है, वीडियो का टाइटल हॉरर स्टोरी होने वाली है स्कूल ट्रिप। तो क्या कुछ कहानी में देखते हैं, और जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, 1 2 3 लेट्स गो। खूनी मंडे नाम बड़ा रखा ना, खूनी मंडे। खूनी मंडे के साथ साथ हमारी नई पेशकश फ्रीकी फ्राइडे भी एंजॉय करो। चेक आउट आवर न्यू एक्सक्लूसिव हॉरर स्टोरी फोन कॉल, खूनी है फ्राइडे, ओनली ऑन आवर स्पॉटिफाई पॉडकास्ट द हॉरर शो बाय खूनी मंडे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ये सही है, ये फोन मंडे वैसे भी हॉरर ही होते हैं, ऑफिस जाते ना लोग। आयु बस में बैठा, बस यही सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। आयु जो 15 साल का था, पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में ही रह रहा था, फिर भी वो कभी हिमाचल की हसीन वादियों में नहीं गया था। पर उसका यह सपना इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ढेर सारे लंच बॉक्सेस से खाना खाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए पूरा दिन बीत गया था। वो शिमला पहुंचने ही वाले थे कि पता नहीं कैसे उनकी बस, जो कुछ मिनट पहले एकदम ठीक चल रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ में थे, तो सब टीचर्स ने मिलकर फैसला लिया कि वो पास में ही एक होटल के अंदर रुक जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवा कर शिमला के लिए वहां से निकल जाएंगे। और रुकने का डिसीजन सही लिया। लोग पास के एक होटल तक पहुंचे। वो होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सब टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। आयु को अपने दो दोस्तों अमन और रोहन के साथ कमरा मिला था और वो बहुत खुश था क्योंकि वो दोनों उसके काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। आयु, अमन और रोहन जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद था कि कैसे पिछली स्कूल ट्रिप पर रात में दो बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे और वो स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। तो उन तीनों ने भी प्लान बनाया कि इस बार वो भी कुछ कारनामा करेंगे। ले भैया पॉपुलर होने के लिए सोचा कि वो होटल से छुपके से निकल जाएंगे और उस झील पर जाकर फोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। यही नहीं करना था बस। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, वो तीनों निकल गए। झील दिखने में तो होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वो तीनों करीब आधा एक घंटा झील की तरफ चले जा रहे थे और जंगल का रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उस सुनसान जंगल में उन तीनों की ठंड के मारे हालत खराब हो रही थी। उन्होंने अपना फोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं था। तब उन्हें लगा कि उन्हें झील का प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फोन की फ्लैशलाइट के सहारे वो वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते अमन और आयु, जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहन वहां था ही नहीं। तभी उन्हें अपने पास में से किसी के भागने की आवाज आई। वो बहुत घबरा गए, पर क्योंकि वो रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने उस कदमों की आवाज का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच वो उन कदमों की आवाजों का पीछा करते गए, जो कुछ मिनटों बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं दिखा था और अमन और आयु अब बहुत ज्यादा डरने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज आई कि मानो कोई जमीन खोद रहा था। वो धीरे धीरे उस आवाज के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। अच्छा। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन तो उनकी है। तरफ मुड़ा और उन्हें गुस्से से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल ली हों। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रख के उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा और रोहन ने उसे एक बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। आयु भागा भागा अमन के पास गया। रोहन अब आयु की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो आयु के पास आया, रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे
और वो बेहोश हो गया। आयु उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रोहन होश में आया उसने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वो अमन के अंदर है। तभी आयु ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा अमन के था अंदर आ गया। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली पड़ी थी। इससे पहले आयु और रोहन कुछ कर पाते, अमन जो कुछ देर पहले तक चोटिल था वो उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और आयु ने उसका पीछा किया और फोन की फ्लैशलाइट में देखा कि अमन एक खंडर की तरफ भाग रहा था। करीब जाकर उन्हें दिखा कि वो खंडर दरअसल में एक बहुत पुराना घर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत ही डरे हुए थे और उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर अमन को बचाने के लिए आयु और रोहन उस खंडर में घुस गए। ऊपर के एक फ्लोर से उन्हें एक आवाज आ रही थी। वो उस आवाज के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था, उसकी आंखें एकदम काली थीं, खाल लटकी हुई और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और डरावना बना रहे थे। वो दोनों उस औरत को देखते ही वहां से बाहर भागे। वो औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। आयु और रोहन जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस खंडर के घर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने जब मुड़कर एक बार पीछे देखा तो वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी और उनके पास ही आ रही थी। वो किसी तरह वहां से निकलकर जंगल की ओर भागे और भागते चले गए। भागते भागते उन्हें पता नहीं चला कि कब वो उस झील के पास आ गए थे जिस झील की तलाश में वो होटल के बाहर निकले थे। रोहन और आयु दोनों भागते भागते उस झील के अंदर गिर पड़े और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। आयु किसी तरह झील से बाहर आ गया पर उसकी आंखों के सामने रोहन झील में डूब गया और वो कुछ भी नहीं कर सका। आयु ये सब देखकर इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आयु की जब सुबह आंख खुली तो वो उसी होटल के कमरे में था। वो भागकर बाहर गया तो बाहर पुलिस की बहुत सी टीम्स थीं और जमीन पर सफेद चद्दर में लिपटी हुई रोहन और अमन की लाश पड़ी थी। इसको पुलिस ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था पर आसपास के रहने वालों ने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वहां उसका एक घर था। सभी से अलग वो औरत चैन से रहती थी पर एक रोज उसके घर को कब्जाने के लिए पास के गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे मारकर उस झील में फेंक दिया। तब से कोई भी इंसान रात में जंगल की ओर या उस झील के पास नहीं जाता। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी वहां अपने बदले के लिए भटकती है। काश ये बात इन तीनों दोस्तों को पता होती पहले पता लग जाते तो शायद आज आयु के साथ साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते। हमारी बढ़िया एक और मतलब वही वीडियो के अंदर गूज़बम्स आए थे और कुछ कुछ मोमेंट्स तो बहुत स्केरी थे। जैसे वो हवा में ऐसे लटका हुआ था वो जो लुक था वो बूढ़ी औरत का वो हो गया प्लस जिस तरीके से वो आ रही थी नीचे और फिर एकदम से सामने वाला लुक दिखाया उसका। ये तो चलो एक कहानी थी लेकिन मैं कहता हूँ कि जब अगर बच्चे भी काफी बच्चे देखते हैं वीडियोस ऐसी हॉरर तो अगर कोई देख रहा हो तो मैं कहूंगा कि कभी भी आप कहीं ट्रिप पे जाते हैं अनजान लोकेशन में तो आपको जानते हैं इट इज जस्ट नॉट अबाउट कि वहां पर कुछ ऐसी हॉरर कुछ हो कि वैसे आपकी सेफ्टी के लिए भी होता है कि जिस इलाके से आप वाकिफ नहीं हो लोकेशन को जिसको आप जानते नहीं अच्छे से तो वहां पर ना जाए और खासकर रात वाले टाइम पे जब लोग वैसे ही नहीं मिल पाते कोई हेल्प करने को। लेकिन स्टोरी एनिमेशन गजब खासकर एक तो जो वो जो घर दिखाया था वो बहुत इंटरेस्ट और मेरे को लगता है कि खूनी मंडे अभी तो वेब सीरीज बनानी शुरू कर दी इन्होंने अगर ये एक मूवी भी बनाने लग जाए तो भाई और भी मजा आएगा एनिमेटेड मूवीज भी। लेकिन मुझे लगता है मूवी से बेटर वेब सीरीज ही है एक इंटरेस्ट बना रहता है आज कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। वाली हाँ वाली बात भी है प्लस ये शॉर्ट स्टोरीज भी मेरे को काफी पसंद आती है जब भी
एक वो होता है, वो कीड़ा होता है आदमी के अंदर कि भैया मुझे हॉरर स्टोरी देखनी है, और पूरी पिक्चर पूरी पिक्चर देखनी होती है। जैसे सोने से पहले आदमी सोचता है यार कोई ऐसी पिक्चर देख, ऐसी कोई वीडियो देख ले हॉरर सा लगे, कहानी भी हो। मुझे बहुत डरती भी सबसे ज्यादा मैं हूँ, पर मुझे हॉरर मूवीज वगैरह हॉरर स्टोरी ये सब, और ये स्टोरीज कुछ ऐसी है टाइम ना हो तो अपनी छोटी सी कोई भी एक वीडियो देखी हॉरर स्टोरी की और या आपने मस्त एंजॉय किया। और बैकग्राउंड इफेक्ट जो हल्का, जब वो दिखा रहे थे वो वैली, वो नदी जब दिखा रहे थे विंडो के थ्रू, जब होटल गए थे आपकी जो आवाज, जो आवाज आई थी वो, यही चीज तो मैं फैन खूनी मंडे का कि सबसे पहले जो इनकी जो एनिमेशन के साथ था ऐसा क्रिएट कर देते कि बंदा जो आवाज है साउंड इफेक्ट्स, बिल्कुल साउंड इफेक्ट्स। आई एम श्योर स्टोरी देख के, स्टोरी सुन के आपको मजा आएगा, थोड़ा स्केरी भी लगा होगा, खासकर जो रात को देख रहे होंगे। तो आप अगर पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, और वीडियोज आप सजेस्ट कर सकते हैं जिन पे हमें रिएक्ट करना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।